हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन ज़ोन। और दोस्तों कहते हो तो दोस्तों आज मैं आपके पास एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसको देखने के बाद आप प्यार में पागल हो जाओगे। जी हां, बीच प्रोडक्शन का नया वीडियो काठमांडू बाजार आ चुका है। और इसका वीडियो इतना प्यारा है, इसकी स्टोरी इसकी बहुत बहुत प्यारी है। मैंने वीडियो देखा हुआ है और जो मुझे सबसे अच्छी इसमें लगी ना, वो मुझे स्टोरी लाइन लगी, जो मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ। उसके बाद फिर एंड में हम लोग वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर अभी मैंने सारी बातें बता दी तो फिर वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा। ओके दोस्तों, चलिए साथ में मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए इधर के चलता हूँ आपको यूट्यूब की तरफ, जहाँ पर हमें वो वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों चलिए यूट्यूब पर चलते हैं। तो जैसा कि हम लोग आ चुके हैं यूट्यूब पर, अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं काठमांडू बाज़ार के नाम से ये गाना है। बहुत ही प्यारा गाना है, देखिए टॉप पे आ रहा है काठमांडू बाज़ार ऑफिशियल एमवी बीस्ट प्रोडक्शन, उदय राज पौडेल फीट सबिन करकी एंड विपिना थापा। 2 डेज पहले गाना आया था और 635K व्यूज हो चुके हैं। ये जो वीडियो लॉन्च हुआ है, ये बीस्ट प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पे लॉन्च हुआ है। तो चलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ पूरा देखता हूँ। ओके, स्टार्ट करने से पहले लगा लेता हूँ ईयरफोन, जिससे कि मुझे हर एक चीज़ इसकी अच्छे से सुनाई दे। और आप लोग भी सॉन्ग है तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मज़ा आने वाला है। बीच प्रोडक्शन का गाना है भाई साहब। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 गो। अच्छा, गाने तुम लिखाओ तो ये मेरे डिनर भाई के टी एम आए बहाने तो काठमांडू में आए वॉइस आया। या ऑफ कोर्स, ओह नो, अब मैं तुम्हें काठमांडू को नाइट लाइफ पर तो देखूं सो। काठमांडू की नाइट लाइफ, काठमांडू की नाइट लाइफ घूमने में मजा आएगा। बीच प्रोडक्शन प्रेजेंट्स काठमांडू बाजार। ये भाई साहब रेडी हो रहे हैं बाजार जाने के लिए। हाँ भाई, कहाँ जा रहा, बता जा रहा, बाय बाय। ये देखा आपने, चप्पल उल्टी पड़ी हुई थी इसको सीधा किया। ये सिर्फ नेपाल में नहीं, इंडिया में भी बहुत जगह माना जाता है कि अगर चप्पल उल्टी पड़े हो जाए तो फिर अपशगुन होने वाला है या लड़ाई झगड़ा होने वाला है, ऐसा होता है। जिन लोगों को ये चीज़ें पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि चप्पल उल्टी करना किन के यहाँ पे शगुन अपशगुन माना जाता है। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। काठमाडौँ को बजार मान्छे यहाँ हजार, तिमीसँग भेट्न मलाई भयो हतार। काठमाडौँ को बजार मान्छे यहाँ हजार, तिमीसँग भेट्न मलाई भयो हतार। सौ रुपियाँको पेट्रोल अनि सत्तरीको डिजल, हाम्रो दूरी भयो 1,200 किलोमिटर। सौ रुपियाँको पेट्रोल अनि सत्तरीको डिजल, हाम्रो दूरी भयो 1,200 किलोमिटर। भेट होला कसरी, आउँछु माया हुरी जसरी। भेट होला कसरी, आउँछु माया हुरी जसरी। सहरको बाटो बरे मुखै छोप्ने धुलो, मनभरि अटेनौ है यादै भइगो ठुलो। सहरको बाटो बरे मुखै छोप्ने धुलो, मनभरि अटेनौ है यादै भइगो ठुलो। भेट होला कसरी, आउँछु माया भनेरै झरी। भेट होला कसरी, आउँछु माया भनेरै झरी।
ऑप्शन किंग हो बाटो बंद गाड़ी लागव लसकरा भित्र उरली रह्यो फिरती कुलहरा बाटो बंद गाड़ी लागव लसकरा भित्र उरली रह्यो फिरती कुलहरा भेट होला कसरी आउँछु माया बादल सरी भेट होला कसरी काठमाडौँको बजार मान्छे यहाँ हजार तिमीसँग भेट्न मलाई भयो हतार काठमाडौँको बजार मान्छे यहाँ हजार तिमीसँग भेट्न मलाई भयो हतार सौ रुपियाँको पेट्रोल अनि सत्तरीको डिजेल हाम्रो दूरी भयो बाह्रै तिन सय किलोमिटर सौ रुपियाँको पेट्रोल अनि सत्तरीको डिजेल हाम्रो दूरी भयो बाह्रै तिन सय किलोमिटर भेट होला कसरी माया बनेर भेट होला कसरी माया बोरी जसरी So sad. So sad. Seven girls will be so sad. And me, I जोश में आ गया यार द एंड जो भी था भाई साहब बहुत ही मज़ेदार था जो स्टोरी लाइन थी ना इसकी मुझे स्टोरी लाइन बहुत प्यारी लगी स्टार्टिंग में भाई साहब चैट कर रहे होते हैं किसी एक ऐसी अननोन लड़की के साथ बाद में वो लोग मिलने का प्लान बनाते हैं कहाँ पे काठमांडू के बाज़ार में अब भाई साहब जाते हैं मिलने काठमांडू के बाज़ार में और रास्ते में उनको जहाँ जो चीज़ दिखती है वहाँ पे वो उन दोनों को मतलब खुद को और उस लड़की को इमेजिन करने लगता है जैसे कि बस में उसके बाद होटल में उसके बाद जब बस ख़राब हो जाती है तो रास्ते में रोड पे लोग डांस वांस करने लगते हैं फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे ये क्लब में होते हैं और क्लब में भाई तभी डांस कर रहे होते हैं पीछे से एक और थर्ड पर्सन जो है उनके बीच में आता है तो लड़ाई हो जाती है तो ये सारी चीज़ें भाई ने प्लान कर रखी थी कि जब उनसे मिलेंगे उनके साथ डांस करेंगे ठीक है उनके साथ बैठेंगे बात करेंगे लेकिन जब उनसे मिले पता चला उनका ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड था वो सिंगल नहीं वो मिंगल थी और तुम्हारे तो दिल को एकदम टूट गया बेचारे का दिल लेकिन एंड में ट्विस्ट आता है जहाँ पे इनकी लॉटरी लग जाती है और दो दो लड़कियाँ इनके पास आ जाती हैं भाई साहब उसके बाद बंदे का जो एक्सप्रेशन होता ना अरे 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 उसके बाद एक्साइटमेंट में कितना तेज़ी से डांस करने जा रहे थे वहीं पे दी एंड कर दिया एक्साइटमेंट वाला डांस देखना तो बनता था लेकिन हम उसको नहीं देख पाए क्योंकि एंड हो गई है वीडियो बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसका डांस कैसा लगा मुझे तो भाई साहब इसमें कोरियोग्राफी और जो स्टोरी लाइन थी ना वो बहुत ही बेहतरीन लगी सबसे बेहतरीन स्टोरी लाइन थी मज़ेदार एकदम बहुत मज़ा आ गया ऑल द बेस्ट बीस्ट प्रोडक्शन को इसी तरह से वो कामयाबी छूते रहें पाते रहें और दोस्तों आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखिए बीस्ट प्रोडक्शन को और रिएक्शन जोन को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए सपोर्ट देते रहिए और लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी ओके दोस्तों तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ तब तक के लिए बाय बाय।